दराज पे हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स कैसे सेल आउट कर सकते हैं, कैसे अकाउंट बनाएंगे, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स लगाएंगे और अकाउंट बनाते हुए हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कौन सी चीज कैसे सेट करनी चाहिए, क्या दराज पे जब हम कुछ चीज सेल करते हैं उस प्रोडक्ट की एक बड़ा स्टॉक हमारे पास होना जरूरी है या नहीं। ये सीरीज इसीलिए है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज में सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप दराज पे काम कर सकते हैं और कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें आपने करनी है और नहीं करनी, सब कुछ आपको बताऊंगा इस सीरीज़ में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमाद 946 एंड वेलकम टू माय दराज सीरीज, जो कि ऑलमोस्ट 5-6 एपिसोड्स होंगे, जिनमें मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल्ड बताऊंगा कि आप कैसे अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट से लेके आपको प्रोडक्ट लगाने तक और प्रोडक्ट डिलीवर करने तक आपको सब कुछ मैं बताऊंगा कि आप कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप पैकिंग करेंगे अपनी। तो हर एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दराज पे बहुत से सेलर्स आते हैं और काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता अकाउंट कैसे बनाएंगे, फिर क्या प्रोसीजर होता है, कैसे प्रोसेस करते हैं दराज वाले, कैसे पेमेंट देते हैं और कैसे आप अपनी चीज़ें दराज वालों को देते हैं और वो अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं जो आपको ऑर्डर्स आते हैं। हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल बताऊंगा, डिटेल्ड मतलब कि अकाउंट भी बताऊंगा, अकाउंट कैसे बनाते हैं, हर एक चीज़ अकाउंट्स आ रहे हैं, पैकिंग कैसे होगी, आप कहां से जाके देंगे, अपनी प्रोडक्ट्स लगाएंगे कैसे दराज पे और कैसे आप अपनी प्रोडक्ट रैंक करेंगे, अब रैंक कैसे करते हैं ये भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा और हर एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस पे दराज पे जो मैंने काम किया है, मैं दराज पे भी रहा हूँ ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट भी बताऊंगा, आप दराज सेलर्स अकाउंट जो मेरा है वो भी आपको मैं डिटेल्ड बताऊंगा। हम जो काम कर रहे हैं, हमें मतलब मैं और एक मेरा दोस्त है जो कि हम दराज पे काम कर रहे हैं, एक बैठे बैठे हम लोगों को एक ख्याल आया था, क्योंकि ना हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं हम वो ऑनलाइन सेल आउट करें, तो तब दराज न्यू आया हुआ था, न्यू प्लेटफॉर्म था दराज का, तो हमने अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर लगाई, काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस हमने किए, हमारे रिटर्न आए, अब रिटर्न क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं और कभी हर एक चीज़, मतलब हम लोग को इन 2 सालों में एक्सपीरियंस हुई, जो जो हमने एक्सपीरियंस किया, मार खा खा के एक्सपीरियंस किया, वो आपको मैं बताऊंगा जस्ट 6 एपिसोड में, जस्ट 6 एपिसोड में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, उम्मीद है आपने मेरी वीडियो लाइक कर दी होगी, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा और मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख ली होंगी आपने, क्योंकि बहुत सारी अर्निंग की वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके आप देख सकते हैं। दराज की प्रॉपर सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने अकाउंट स्टेटमेंट बताऊंगा कि हमने कितनी चीज़ें सेल आउट की और किस मंथ में कितनी रेवेन्यू हमारा आया, कितनी अर्निंग हमने की। तो दराज अकाउंट जो हमारा है, दराज सेलर अकाउंट, उस पर प्रोडक्ट्स हमारी क्या लगी हैं और कैसे हम मैनेज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, वो भी आपको डिटेल बताऊँगा इस वीडियो में। लेट्स मूव ऑन माय लैपटॉप। तो जैसे हम लोग गूगल पे आते हैं तो हम अपना दराज सेलर अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अब दराज सेलर अकाउंट आप कैसे बनाएंगे ये मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अभी जस्ट आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ अपने अकाउंट का जो कि हम सेल आउट करते रहे दराज पे। तो यहाँ पर मैं दराज सेलर लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास पहली यहाँ पर आ चुकी है एक वेबसाइट। अब जैसे यहाँ पर दराज सेलर लोड करता है, हमारे पास अब 2 तरह से हम लोग साइन इन कर सकते हैं, या फिर हम अपना ईमेल से साइन इन कर सकते हैं, जो कि आप जिस ईमेल पे अपना अकाउंट बनाएंगे, या फिर आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर से साइन इन कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है, तो आप दोनों तरह कर सकते हैं, नो इशू। तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ देर लोड होगा और लोड होने के बाद हमारा अकाउंट, हमारा सेलर अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। वो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हमारा फर्स्ट इंटरफेस हमें यहाँ पर इस तरह का देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन वगैरह करते हैं, आपको काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर फ्रंट पे फेयर प्राइस शॉप 99 के नाम से हमारी यहाँ पर शॉप है, जो कि हमने अपना लोगो भी बनाया हुआ है। उसके साथ हमें यहाँ पर मैसेज शो किए जा रहे हैं, उसके साथ में हमें पाकिस्तान का झंडा दिखाया जा रहा है, जो कि हम पाकिस्तान में रह के सेल आउट करें। अब क्यों दिखाया जा रहा है और कैसे आपको मैनेज कर सकते हैं, अब बाय द वे आपको बता दूं मैं कि पाकिस्तान के अलावा आप इंटरनेशनल सेल आउट भी कर सकते हैं दराज पे। अब उसके लिए अलग प्रोसीजर है और यहाँ पर दराज जो पाकिस्तान में आप सेल आउट करते हैं, इसका सेपरेट
तरीके जो कि आपको मैं बताऊंगा और सिखाऊंगा, एक एक चीज़ सिखाऊंगा कि आप कैसे सब कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पर साइट पर आप आते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ऑर्डर एंड रिव्यू, प्रमोशन, मतलब डेकोरेशन जो है, यहाँ पर आप बहुत सारी हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये आप कैसे यूज़ करेंगे आपको सब कुछ मैं बताऊँगा, बट अभी जस्ट आपको मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स बता देता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट्स किस चीज़ की और क्या क्या लगी हुई हैं। तो जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट्स में आते हैं, प्रोडक्ट्स में जाके हम मैनेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर शो आउट करता है। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं वो 22 हैं, उनमें से जो लाइव प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो 11 प्रोडक्ट्स है। कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये धराज के फर्स्ट पेज पे भी जा चुकी हैं और दिन के हमें, एक दिन के हमें 5 to 7 ऑर्डर्स आ जाते थे जस्ट 11 to 13 प्रोडक्ट्स में। अगर आप 50 प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो खुद अंदाज़ा लगा लें कि आप कितना सेल कर सकते हैं पर डे में। अगर हम 11 टू 15 प्रोडक्ट्स लगा के दिन में 5 to 7 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं तो आपके अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं यू कैन मैनेज मोर ऑर्डर्स। तो यहाँ पर नेम्स जो लिखे हुए हैं, एक हमारी ये प्रोडक्ट्स है जो कि रिसेंटली हमने यहाँ पर लॉन्च की है। अब यहाँ पर हमारी ये प्रोडक्ट लगी है, हमारी पिक्चर आ रही है इसके साथ, देखें 2499 है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ, सीधा दराज में हमें ये प्रोडक्ट ले जाएगी कि ओवरव्यू इसका हम देख सकते हैं कैसी लग रही है देखने में ये। तो थोड़ा लोड होने के बाद हमें कुछ इस तरह का ये इंटरफेस देखने को मिलता है। हमारी ये प्रोडक्ट है, हमने ये लगाई है, उसके बाद सेकंड पे जाते हैं, हमें सेकंड इमेज ये दिखती है, थर्ड पे जाते हैं, थर्ड इमेज ये, फोर्थ, और इस तरह काफ़ी सारे हमें इमेज जो हमने लगाई हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अभी बिल्कुल नो रेटिंग है इसकी क्योंकि हमारी यहाँ पर अभी इसका कोई ऑर्डर नहीं आया। तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी है, डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ पर ब्रांड वगैरह, इसकी वोल्टेज, सब कुछ जो जो है ये एक एक चीज़ आपको आने वाली क्लासेस में, आने वाली सीरीज, आने वाली एपिसोड में डिटेल्ड बताऊंगा। तो वापस हम लोग चलते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट के, सेकंड प्रोडक्ट ज़रा मैं आपको यहाँ पर ओपन करके बताना चाहता हूँ क्योंकि इसकी हमने एक शॉर्ट सी वीडियो भी बनाई है और आप वीडियो भी बना के अपने प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो का एक YouTube का आइकन दिया गया जो कि हमने लिंक प्रोवाइड किया था अपनी दराज टीम को और उन्होंने इसको कंप्रेस करके यहाँ पर लगा दिया। तो अब मैं इसको ज़रा प्ले करके देख लेता हूँ। तो हम जैसे इसको यहाँ पर प्ले करते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है जिसकी वीडियो हमने रिसेंटली अपलोड की है। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पर हमें एक वीडियो भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर पिक्चर्स देख लेते हैं, काफ़ी सारी पिक्चर्स हम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राइजिंग आ जाती है 1999 रुपीज़, एंड यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और यहाँ पर नीचे हम आते हैं, स्पेसिफिक समय देखने को मिल जाती हैं। तो इसकी भी कोई रेटिंग नहीं क्योंकि हमने रिसेंटली ये दराज पे लगाया है, अपने स्टोर पे लगाया है, इस वजह से एकदम से की सेल्स नहीं हो रही। तो वीडियो कैसे लगाएंगे आप, वीडियो बनाएंगे कैसे, बाय द वे जो वीडियो बनाई है मैंने खुद अपनी खुद क्रिएट की हुई है, कैसे की है ये भी बताऊंगा आने वाली सीरीज में, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब जरूर किया होगा और आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली होंगी। यहाँ पर काफ़ी सारी हमारी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिलती हैं, इसकी हमारे पास ड्रिल मशीन वगैरह हो रही है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज आते हैं, हमारे 3 पेजेस हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी हमने ये चीज़ें जो है ये बंद की हुई हैं, ऑफ की हुई हैं। अब थर्ड पेज पे आते हैं, हमारे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाती हैं। तो प्रोडक्ट्स हमने देख ली, अब ऑर्डर एंड रिव्यू मैनेज कैसे करेंगे और ये बिज़नेस एडवर्टाइज़र ये क्या होता है, फाइनेंशियली क्या होता है। फाइनेंशियल आपको मैं बता देता हूँ कि हमने कितना अर्न किया है दराज से पर मंथ। तो अकाउंट स्टेटमेंट में चलते हैं। अब जो लास्ट रिसेंटली हमारी जो जुलाई की पेमेंट आई थी हमें वो 6,446 रुपीज़ बनती थी जो कि दराज की फ़ी कट के -1,557 रुपीज़ हो गई। और टोटल जो हमें दराज की फ़ी वगैरह सब चार्जेस काट के जो हमें अर्निंग आई वो 5,580 रुपीज़ एंड 0.60 पैसा भी आया है, 0.60 पैसा तो नहीं आया बट 5,580 रुपीज़ हमें
रिसेंटली जुलाई के महीने में हमारी अर्निंग की गई है, अर्निंग हुई है। अब ये अर्निंग कितनी प्रोडक्ट से आई, अब ये जो अर्निंग है हमारी एक बीट्स की हेडफोन थे जो कि हमने पर डे 5 to 6 सेल किए। अप्रैल की आपको अपनी अर्निंग शो कर दें कि हमारे जस्ट वन प्रोडक्ट सेल आउट हुई थी जिसका 650 रुपीज़ थी। दराज की क्रेडिट्स कार्ड के 200, दराज फी कार्ड के हमें 531 रुपीज़ आ चुके हैं। अब उसी तरह मार्च में चलते हैं हम। मार्च की जो हमारी रिसेंटली हमने जो अर्निंग की, टोटल जो हमारी आइटम चार्ज हुए वो 11,999 रुपीज़ हमारे यहाँ पर टोटल बने, जिसकी वजह से दराज ने अपनी फ़ी वगैरह काटी -1,178 रुपीज़ हमारी दराज ने कट आउट कर ली अपनी फ़ी, जो कि दराज का हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट सेल करने का। और जो टोटल डिडक्शन हो के हमारी अर्निंग बनी वो 10,518 रुपीज़ हमें अर्न हुए। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पर स्टेटमेंट्स पड़ी हैं, तो फेब की देख लेते हैं। एक और फेब में हमारा जस्ट वन प्रोडक्ट हमारी जो सेल आउट हुई, एक हेडफोन थे 650, सेम 563 रुपीज़ हमें आ गए। सेलर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, सेलर सपोर्ट क्या होता है, दराज यूनिवर्सिटी क्या है, दराज यूनिवर्सिटी को यूज़ कैसे करते हैं, ऑर्डर ओवरव्यू, बिजनेस एडवर्टाइज़र, ग्रोथ सेंटर, मतलब जो जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये थी कुछ हमारे स्टोर की अर्निंग जो कि हमने रिसेंटली काम किया था दराज पे, और अच्छी खासी अर्निंग हमने दराज से जनरेट की। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, लाइक अपने 50 लाख्स की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिन के आप ऑलमोस्ट 10 to 15 ऑर्डर्स अगर लेते हैं, तो यू कैन अर्निंग बेटर देन अस। क्योंकि अगर आप 10 to 15 प्रोडक्ट दिन में सेल करते हैं, तो मंथली आप खुद अपना रेवेन्यू देख सकते हैं कि आपका रेवेन्यू कितना बनता है। मेक श्योर के आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आगे इसकी पूरी सीरीज़ में एक लॉन्च करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा, कैसे आप अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप प्रोडक्ट्स लगाएंगे। बाय द वे, अब जो स्टेप बाय स्टेप बार बार मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप स्टेप बाय स्टेप और ये चीज़ें बहुत बार रिवीजन करते हैं, बहुत बार रिवाइज करते हैं अपनी वीडियो में, तो आई डोंट नो क्या मुझे बोलना चाहिए उसके अल्टरनेटिव स्टेप बाय स्टेप के अलावा। जो बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स से मुझे ज़रूर बता दें, मैं वो बोलना स्टार्ट कर दूंगा। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए आप, आद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।